अरविंद सबरवाल, बच्चों का सर्जन मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका से आपको कुछ मसलों के बारे में, बच्चों के कुछ बीमारियों के बारे में आपसे बातचीत करना चाहूँगा। एक सबसे बड़ी इमरजेंसी जो कि एक बच्चे में हो सकती है, जिसके लिए के तुरंत सर्जरी की ज़रूरत है, वो होती है कि अगर बच्चे के अंडकोश में उसका टेस्टिस जो है वो घूम जाए। अब होता क्या है कि अक्सर बच्चे को टेस्टिस के रीजन में दर्द होती है और माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चे को शायद कहीं पे चोट लग गई है, किसी और बच्चे ने उसको मार दिया है, जिसकी वजह से कि उसके अंडकोश में सूजन आ रही है। अगर आपके बच्चे को कभी भी ऐसी कोई तकलीफ आती है या बच्चा किसी भी समय आपको ये कहता है कि उसके अंडकोश में दर्द है, तो उस हालत में आप बिल्कुल भी देर मत करिए। तुरंत आके एक बच्चों के सर्जन को उसे दिखाइए। कारण उसका ये है कि कई बारी जो टेस्टिस होते हैं वो अपनी जगह पे ठीक से आके फिक्स नहीं होते हैं और वो अंडकोश के अंदर ही घूम सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वहाँ की जो गोली है वो एकदम से दर्द करती है, वो लाल हो जाती है और उसमें सूजन आती है, और अगर उसका हम ऑपरेशन अगले 4 से 6 घंटे में नहीं करते हैं तो उस गोली का, उस टेस्टिस का खून का दौरा बंद हो जाता है और हमको ऑपरेशन करके फिर उस गोली को निकालना पड़ता है। हमारे पास बहुत सारे माता पिता आते हैं जो कि ये कहते हैं कि हमें इस बीमारी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, हमने कभी इस बीमारी के बारे में सुना ही नहीं था, और अभी आप हमें ये कह रहे हैं कि इसका टेस्टिस निकालना पड़ेगा। सो इस वीडियो के से मैं आपको इस बीमारी से परिचित करवाना चाहता हूँ कि ये एक प्रॉब्लम है जिसके लिए कि आपको हमेशा सावधान रहना है, और कभी भी अगर कोई अंडकोश में किसी भी तरह की कोई स्वेलिंग या कोई पेन बच्चे को होती है तो उसकी अनगहली ना करें, तुरंत आके उसको दिखाएं। दूसरी प्रॉब्लम जो इस हिस्से में होती है वो होती है हर्निया की प्रॉब्लम। आमतौर पे ये सोचा जाता है कि हर्निया जो है वो सिर्फ बूढ़े बुजुर्गों में ही होता है, पर हर्निया की प्रॉब्लम बच्चों में अक्सर देखी जाती है, जिसका कारण ये होता है कि जो बच्चे की गोली है वो पहले पेट के अंदर बनती है और जन्म से कुछ देर पहले दोनों गोलियां नीचे आके अंडकोश में बैठ जाती हैं। जिस छेद से वो गोली पेट में से निकल के बाहर आती है वो छेद कई बारी जन्म तक अपने आप से बंद नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है और वो पेट के ऊपर जोर लगाता है तो पेट के अंदर की आंतड़ियां उस छेद से बाहर निकलती हैं, जिसको के हम हर्निया का नाम देते हैं। अगर इस हर्निया का इलाज ना कराया जाए तो आंतड़ियां बाहर आके फंस सकती हैं और एक बहुत बड़ी इमरजेंसी बन सकती है। सो जब कभी भी अगर हर्निया की शिकायत बच्चे में डिटेक्ट करी जाती है तो उसको जल्द से जल्द ऑपरेशन करा के उसको ठीक करवा लेना चाहिए, नहीं तो आगे जाके ये बहुत दिक्कत करता है। हर्निया का ऑपरेशन एक छोटा सा ऑपरेशन है जिसमें मात्र 15 से 20 मिनट का समय लगता है। बच्चा सुबह हॉस्पिटल आता है और दोपहर तक हम आमतौर पर बच्चे को छुट्टी कर देते हैं। उसके बाद बच्चा कुछ भी खेल कूद, कैसे भी घूम फिर कुछ भी कर सकता है और आगे ज़िंदगी में उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो इन दो कंडीशंस के साथ मैं आपको अवगत कराना चाहता था। मेरा विचार है कि आप इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखेंगे और अगर कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने सर्जन को आके दिखाएंगे। धन्यवाद।